Hello students of class 6, now we are going to start part number 6 of our chapter the planet earth and the next topic is on page number 8 asteroids hai na ab hum padhenge asteroids se meteors hai meteoroids hai comets hai na aap logon ke four terms aayenge ab bahut important to pehla hai asteroids dekhiye asteroids kya hai hum do planet ki yahan pe baat karenge that is the mars and jupiter kon kon se planet मार्स एंड जुपिटर ये प्लैनेट वगैरह जो आपने जो टर्म्स थे नेम थे सब पहले पढ़ लिए और मैंने इसको सीक्वेंस से आपको लर्न भी करवा दिया था है ना दो प्लैनेट्स की बात करते हैं देखिए मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर है ना फोर्थ और फिफ्थ नंबर के प्लैनेट हैं आपके ये तो दो प्लैनेट्स हैं मार्स और जुपिटर उनके बीच में छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती है प्लैनेट के प्लैनेट जैसी है ना छोटी छोटी बॉडीज हैं इन दोनों के बीच में पाई जाती हैं थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज हैं ऐसी है ना ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बॉडीज हैं जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है देखो देखिए जैसे ये मार्स और जुपिटर रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड है ना सन के अराउंड घूम रहे हैं ऐसे ही ये छोटी छोटी स्मॉल प्लैनेट लाइक बॉडीज हैं प्लैनेट तो नहीं है ना ये प्लैनेट्स तो नहीं है लेकिन इनको प्लैनेट्स लाइक बॉडीज बोल सकते हैं यानी कि ये प्लैनेट की तरह है प्लैनेट की तरह क्यों है बेटा क्योंकि ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं जैसे कि और प्लैनेट्स कर रहे हैं जैसे अर्थ कर रहा है मर्क्यूरी कर रहा है वीनस कर रहा है मार्स कर रहा है जुपिटर कर रहे हैं वैसे ये बॉडीज भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं ऐसी कितनी बॉडीज हैं थाउजेंड्स हजारों में हैं कहाँ मिलेंगी सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है सिर्फ मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ही मिलते हैं एस्ट्रॉइड्स ठीक है तो ये बॉडीज जो हैं मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट यानी कि उनके बीच में मिलेंगी ठीक है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं ठीक है तो क्या कहलाएंगी एस्ट्रॉइड्स कहलाएंगी आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड्स कौन सा है नाम है सीरस सी ई आर ई एस सीरस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं छोटी छोटी प्लैनेट्स लाइक बॉडीज हैं थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज ऐसी पाई जाती हैं थाउजेंड्स एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं जिसमें सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है सीरस सी ई आर ई एस ये बात आपको ध्यान रखनी है नाउ नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग आप लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है मीटियोर्स एम ई टी ई ओ आर एस मीटियोर्स नाउ मीटियोर्स क्या है देखिए मीटियोर्स छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं स्मॉल पीसेस हैं किसके रॉक्स के स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के मीटियोर्स कहाँ पे हैं स्पेस में हैं और इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो ये बर्न कर जाते हैं बर्न इन अर्थ एटमॉस्फेयर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं रॉकी मटेरियल्स हैं ठीक है जैसे ही स्पेस में है ये तो वैसे ऊपर है ना लेकिन जैसे ही ये नीचे आएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे जब अर्थ की गैसेज हैं जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड उनसे इनका पाला पड़ जाएगा उनसे ये मिल जाएंगे तो ये बर्न हो जाएंगे या हम बोलें किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे इनको क्या बोलते हैं मीटियोर्स बोलते हैं देखिए आप लोगों के बुक में भी यही बात लिखी हुई है आप लोग इसको रीड कर रहे होंगे है ना होपफुली मीटियोर्स आर द स्मॉलर पीसेज ऑफ रॉकी मटेरियल दैट बर्न व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेंगे ये बर्न हो जाएंगे ठीक है मीटियोर्स के लिए एक और नाम हम यूज करते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स क्या बोलते हैं बेटा इनको दे आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स भी इनको बोला जाता है इतनी बात आपको ध्यान रखनी है मीटियोर्स के लिए फिर नेक्स्ट टर्म है आप लोगों का इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसी टर्म को और मीनिंग भी इसी टर्म से जुड़ा हुआ है उसका थोड़ा सा मीटियोराइट्स है ना एम ठीक है मीटियोराइट्स मीटियोर्स की स्पेलिंग को थोड़ा सा और आगे हम लेके गए तो वर्ड बना मीटियोराइट्स नाउ व्हाट आर मीटियोराइट्स आपने मीटियोर्स के बारे में क्या पढ़ा वो छोटे छोटे रॉकी मटेरियल हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही बर्न हो जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लेकिन देखिए सारे मीटियोर्स ऐसे नहीं होते मीटियोराइट्स वो मीटियोर कहलाते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तब भी बर्न या डिस्ट्रॉयड खत्म नहीं होंगे ठीक है
मेटियोर्स की डेफिनेशन क्या थी? दे आर द स्मॉल रॉकी मटेरियल्स विच बर्न व्हेन दे एंटर इन द अर्थ एटमोस्फेयर. जब वो अर्थ के एटमोस्फेयर में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. लेकिन मीटरॉइड्स क्या है? मीटरॉइड्स वो मीटियोर्स हैं जो अर्थ के एटमोस्फेयर में आने के बाद भी डिस्ट्रॉयड नहीं होते, वो मीटरॉइड्स हैं. ठीक है, डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं. मैनी लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक कंप्लीट द जर्नी टू द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड. बिल्कुल पेज नंबर 9 में आपको लास्ट में ये डेफिनेशन लिखी हुई है मीटरॉइड्स टॉपिक के नीचे. मैनी लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक कंप्लीट द जर्नी टू द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड. है ना, अर्थ की जर्नी ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं, अर्थ तक पहुंच जाते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, वो मीटियोर्स कहलाएंगे. मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ. मीटियोर्स क्या थे? मीटियोर्स वो थे जो अर्थ की ऑर्बिट में आएंगे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे और जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. लेकिन मीटियोर्स क्या हैं? मीटियोर्स वो लार्जर बॉडीज हैं, ठीक है, रॉक की, थोड़े बड़े पत्थर हैं, ये रॉकी हैं, हालांकि है मीटियोर्स की तरह ही रॉकी मटेरियल हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते. ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रहेगी आपको. फिर है लास्ट टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 9 पे, चैप्टर एंडिंग के साथ, इसके साथ एंड भी हो जाएगा, कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या हैं? COMETS. बड़ा कॉमेट्स क्या हैं? छोटे छोटे मटेरियल हैं जो किसके बने हुए हैं? डस्ट के, मिट्टी के बने हुए हैं, है ना, और कुछ गैसेस के बने हुए हैं. इनमें क्या है? डस्ट हैं और गैसेस हैं. इनको आईजी कवरिंग दी गई है. आईजी मतलब कि बर्फ के टुकड़े हैं एक तरह से, ये फ्रोजन हैं, जमे हुए हैं. तो कॉमेट्स आर बॉल्स. बॉल्स क्यों हैं? क्योंकि गोले हैं. बॉल्स ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस held together by ice particles that revolve around the sun in elongated orbit. और ये भी planets की तरह sun के around revolve कर रहे हैं orbit में, ठीक है, comets भी revolve कर रहे हैं. लेकिन comets के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है, या एक विशेष बात यह है, important चीज़ ये है कि जैसे ही ये sun के पास आते हैं तो वैसे तो देखिए क्या मैंने बताया, इनमें covering कैसी है? आईजी है, बर्फ के टुकड़े ही हैं. लेकिन देखिए sun गर्म है तो जैसे ही ये sun के पास आते हैं ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, द आइस चेंजेस टू गैस व्हेन इट कम्स नियर द सन. जैसे ही ये सन के पास आते हैं कॉमेट, वैसे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनके अंदर क्या है? डस्ट है, कचरा है और गैसेस भरी हुई हैं बहुत सारी. अच्छा, गैसेस कैसी हैं? वैसे तो फ्रोजन है. फ्रोजन मतलब जमी हुई गैसेस है ना, ठंडे हैं कॉमेट्स. लेकिन जैसे क्योंकि सन का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, हमने पढ़ा था 6000 डिग्री सेल्सियस, सन बहुत गर्म है, उसकी वजह से जैसे ही ये कॉमेट्स सन के पास आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेट का नाम ध्यान रखना है, दैट इज द हैलीस कॉमेट. क्या नाम है बेटा? हैलीस कॉमेट. ये हैलीस कॉमेट हर 76 ईयर्स बाद सन के पास आता है और हमें दिखता है. ठीक है, कौन सा कॉमेट है? हैलीस कॉमेट, जो स्काई में कितने साल बाद दिखता है? हर 76 ईयर्स बाद रिपीट होता है कि हैलीस कॉमेट स्काई में दिखेगा, शो होएगा. ठीक है, तो इतनी बात आपको कॉमेट्स के बारे में ध्यान रखनी है. क्या है? डस्ट और फ्रोजन गैसेस के बने हुए, आइजी मटेरियल है, बर्फ के टुकड़े हैं. लेकिन जैसे ही ये सन के पास आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमेट जिसका एक नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज द हैलीस कॉमेट, जो कितने सालों बाद दिखता है स्काई में? 76 ईयर्स बाद. हर 76 ईयर्स, जैसे मान लीजिए अगर आज दिखेगा तो आज से 76 ईयर्स बाद वापस ये शो होएगा स्काई में. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉमेट्स के लिए. तो ये चारों टर्म मैंने आप लोगों को समझा है, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, मीटरॉइड्स और कॉमेट्स. आप लोगों को ढंग से ध्यान रखना है. कहीं भी कुछ डाउट लगता है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं ऐप पे, क्लासरूम ऐप पे, मैसेजेस के थ्रू, और वीडियोस को भी बार बार देख सकते हैं. ठीक है, आप लोगों का ये जो चैप्टर था आर प्लैनेट, द प्लैनेट अर्थ, ये पार्ट नंबर 6 के साथ कंप्लीट होता है. दैट इज द लास्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर द प्लैनेट अर्थ. जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगी, जो आपको CW कॉपीज़ में करनी है. वर्क कंप्लीट रखना है बिल्कुल, है ना, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे, प्लस अगर नहीं भी स्कूल अभी स्टार्ट नहीं भी होते
तो यूटी वगैरह जो टेस्ट होंगे उसमें चैप्टर्स आएंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट रखने हैं लर्न के साथ, और ये वीडियोस को ढंग से देखना है, समझना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पार्ट बेटा खत्म होता है, पार्ट नंबर 6 का चैप्टर भी एंड हो गया। तो थैंक यू।